दोस्तों आप लोग जिम में जा रहे हैं, पूरा अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं और दो दो तीन तीन महीने के बाद भी हल्का फुल्का रिजल्ट भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है आज उसके ऊपर पूरी बात करूंगा, सब चीज़ आपको समझाऊंगा। कोई भी सप्लीमेंट की बात नहीं करूंगा, किसी सप्लीमेंट को रिकमेंड नहीं करूंगा, उसको हटा के जो मेन रीज़न है कि आपकी बॉडी रिकवर क्यों नहीं कर पा रही या फिर रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रही तीन तीन महीने की जिम के बाद भी। जब आप अपने जिम ट्रेनर के पास जा रहे हैं तो वो आपको सप्लीमेंट के लिए बोल रहा है, लेकिन अंदर की बात कोई भी आपको नहीं बता रहा है कि क्या रीज़न है कि आपकी बॉडी जो है वो रिकवर नहीं कर पा रही है। तो इस वीडियो में पूरी ये बात होगी, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप जिम बिगिनर हैं तो शायद आपको ये बातें बिल्कुल भी पता नहीं होंगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों होता क्या है, जब हम जिम स्टार्टिंग में जाते हैं तो हम अपना पूरा फोकस सिर्फ जिम के ऊपर लगा देते हैं, एक डेढ़ घंटा जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी पूरी जान लगा देते हैं एक्सरसाइज करने में। और उसके बाद इतनी जान लगाने के बाद भी जब हम देखते हैं कि दो महीने हो गए या तीन महीने हो गए फिर भी हमारी जो बॉडी है वो रिज़ल्ट नहीं दे रही है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो दोस्तों जिम का एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि जिम से बॉडी कैसे बनती है, तो इसका बिल्कुल एक सिंपल सा फंडा है। 100% जो आपकी बॉडी जो रिकवर करेगी उसमें जो है सिर्फ 25% जो वर्क होता है वो जिम का होता है, सिर्फ 25%। तो हो क्या रहा है, आप लोग सिर्फ वो 25% ही काम कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो 75% जो काम आपको करना चाहिए वो काम आप लोग नहीं कर रहे हैं या फिर कोई आपको नहीं बता रहा है उस काम को कैसे करना है, तो जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो रिकवर नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों वो 75% क्या है, तो टोटल जो हमारी बॉडी जिम में बनती है उसका सिर्फ 25% जो होता है वो जिम होता है, जो जिम में हम वर्कआउट करते हैं वो मात्र 25% होता है, और बाकी का जो 25% रहता है वो होती है हमारी नींद। 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप आपको चाहिए अगर आप जिम कर रहे हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है अपने आप को प्रॉपर जो मसल है उनको रेस्ट मिले, रिकवर हो सके। और जो बाकी का 50% है वो वर्क होता है आपकी डाइट का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है वो मार खा जाते हैं डाइट में कि डाइट कैसे चलानी चाहिए। तो दोस्तों अब आप खुद नोटिस करो कि अगर 25% ही आप काम कर रहे हैं तो रिज़ल्ट भी तो आपको 25% ही मिलेगा। जो बॉडी आपकी 4 महीने में बननी चाहिए वो बनेगी जाके 16 महीने में, आप समझ रहे हो। तो वो 25% जो काम आप कर रहे हो उसके बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया 25% जो है जिम का वो तो आप लोग कर ही रहे हो, हर कोई हार्डवर्क करता है, हर कोई जिम में बॉडी बनाने के लिए ही जाता है। और 8 घंटे की नींद, प्रॉपर नींद, ऐसा नहीं कि सुबह रात को लेट सोए और सुबह उठ के जिम में चले गए 4 घंटे की नींद वो और दोपहर में 4 घंटे की नींद, नहीं, प्रॉपर 8 घंटे की अच्छी नींद आपको चाहिए। तो टाइम से रात को सो, पूरे 8 घंटे की नींद अपनी पूरी करो और ताकि आपकी बॉडी जो है रिकवर कर सके। और बात आ गई डाइट की, तो डाइट का जो मेन फंडा है वो होता है हमारे बॉडी वेट के हिसाब से कि आपका बॉडी वेट इस टाइम कितना है। मान लीजिए कि आपका बॉडी वेट एज्यूम करते हैं कि 60 kg आपका लोगों का बॉडी वेट है, तो 60 kg, और जो अगर कोई एक नॉर्मल बंदा है उसको हेल्थी रहने के लिए अपने बॉडी वेट का 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। तो अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो अगर आप नॉर्मली रहते हैं बिना जिम के तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन दिन का ईट करना पड़ेगा, तब जाके आप हेल्दी रह पाएंगे। लेकिन अगर आप जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं या कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर हैं, तो आपको अपने बॉडी वेट का लगभग डबल ग्राम, मतलब पर केजी का 1 ग्राम चाहिए होता है। तो जैसे आपने करा 60 kg का डबल हो गया 120 kg, मतलब 20 ग्राम, तो आपको 120 ग्राम जो है वो आपको प्रोटीन इनटेक करना ही होगा अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है। तो वो आप लोग कैसे करेंगे, उसका सिंपल सा फंडा है, आप जो भी चीज़ खाते हैं डेली काउंट कीजिए कि अगर मैंने 100 ग्राम पनीर लिया तो उसके अंदर कितना प्रोटीन मेरे को मिलेगा। जैसे 100 ग्राम के पनीर में आपको मिलता है 18 ग्राम प्रोटीन, आप ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रहे हैं 1 ब्राउन ब्रेड में 3 ग्राम प्रोटीन, एग यूज़ कर रहे हैं 1 एग में, वाइट एग में आपको मिलता है 3 ग्राम प्रोटीन। तो आप डेली ऐसे धीरे धीरे कैलकुलेट करना शुरू कीजिए और रात को जब आप सोते हैं तो आप देखिए आपने कितना ग्राम प्रोटीन इनटेक किया है। तो अगर आपको 120 चाहिए तो कम से कम 90 से 100 ग्राम तो आप डेली इनटेक करो, अगर आप कैलकुलेशन करनी शुरू करोगे तो धीरे धीरे। तो दोस्तों जब आप ऐसे कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे डेली सोते टाइम, आप डेली कैलकुलेट कीजिए कि आज मैंने कितना ग्राम प्रोटीन इनटेक किया, और डेली जब आप, जैसे आप डेली सुबह 50 ग्राम पे पहुँचे तो आप अगला देखिए कि मैं अगला क्या खाऊं जिससे मेरा जो प्रोटीन इनटेक है वो ज़्यादा हो जाए। तो धीरे धीरे 1 महीने के अंदर आप बॉडी के अपने खुद के रिज़ल्ट देखना शुरू कर दोगे कि बॉडी रिज़ल्ट देना शुरू कर देगी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मसल ग्रोथ होना आपका शुरू हो जाएगा। स्लीप प्रॉपर दीजिए, प्रोटीन काउंट कीजिए, और जिम तो आप कर ही रहे हैं
तो ऐसा अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों बस ये छोटा सा वीडियो था आप सबको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो बस ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए जिम के किसी भी रिकॉर्डिंग, किसी भी बॉडी पार्ट या फिर आपको किसी भी चीज़ की एक्सरसाइज के रिकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसकी वीडियोज़ आपके लिए बनाकर ले आएंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।